मणिपुर एमबीबीएस सेकंड ईयर पर दूँ ओंका ब्रा दिनी बबागरा तो फैम मानी बगे जो ब्रा लाम सौना बगे और ना सिंगा दा तरफ से ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स को फाइनेंस किया है अपने अपने पॉकेट से कि वो आकर वो वापस त्रिपुरा लौट सके, क्योंकि मेरे खराब समय में बहुत त्रिपुरासा मेरे संग खड़े थे। मेरा ड्यूटी बनता है कि जो लोग मणिपुर में अभी मुश्किल में है, कष्ट में है, क्योंकि वहाँ में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उनका पूरा प्लेन का टिकट का खर्चा मैंने दिया है। वो अभी पहुंच रहे, तो मुझे लगा कि हम और अपने वॉरियर्स के साथ उनको रिसीव करें और उनको बताएं, उनको एक बात दिखाना। कभी कभी अपने लोगों को बताना भी पड़ता है कि मेरे खराब टाइम में वो मेरे साथ थे, तो उनके खराब टाइम में भी मुझे उनके साथ रहना चाहिए। दिस इज़ माई ड्यूटी और मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं कोई गवर्नमेंट का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, अपना पॉकेट से कर रहा हूँ, क्योंकि अपने लोगों को हेल्प करने के लिए आपको किसी से हेल्प का दरकार नहीं होता, आप खुद भी कर सकते हैं। आज कितने हमारे तरफ से 50 स्टूडेंट्स प्लस आ रहे हैं, और भी कम से कम 14-15 लोगों ने कांटेक्ट किया है, उनको भी एक दो दिन में लाने का पूरा कोशिश करूंगा। आई थिंक गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है, क्योंकि हमने किया तो गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है हमारे बाद, तो ठीक है। अगर हमने कुछ किया और गवर्नमेंट ने उसके बाद कुछ किया, तो हमने भी गवर्नमेंट को मोटिवेट किया है अपने लोगों को वापस लाने के लिए। और बाकी जो भी रहेंगे अगर वो कॉन्टैक्ट करें, अगर उनको आना है तो मैं आने के लिए अपने तरफ से फुल करूँगा, क्योंकि कोरोना के टाइम भी मैंने हेल्प किया, इस बार भी मैं हेल्प करूंगा और ये मेरा ड्यूटी बनता है और मैं करूंगा। भगवान ने इतना क्षमता दिया है कि आप 50 क्या 100 स्टूडेंट को भी ला दें, 150 स्टूडेंट को भी ला दें, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। इलेक्शन के टाइम मेरे गरीब त्रिपुरासा लोगों ने अपने पॉकेट से मुझे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दिया था, तो मैं क्या अपने लोगों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपये खर्चा नहीं कर सकता हूँ लाने के लिए? क्यों नहीं करूंगा 100%। और मणिपुर में सर जो चल रहा है वहाँ पे एसटी होने के लिए जो मांग हो रहा है, मैतेज भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कुकीज भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। मैं उनको बोलूंगा कि आप एक दूसरे से फाइट ना करके अपने मैते मिनिस्टर से पूछे कि वो क्यों चुप बैठे हैं, अपने कुकी मिनिस्टर से पूछे कि क्यों चुप बैठे हैं। आप एक आम आदमी को नहीं मारकर अपने एमएलए अपने मिनिस्टर से पूछिए कि इस टाइम आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हैं और अपने लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। मैं उनको ये बोलूंगा कि एक दूसरे के चर्च को और मंदिर को ना जलाकर अपने मंत्री से अपने इलेक्टेड लीडर से ये सवाल पूछे कि आपका क्या पोजीशन है। वहाँ के सीएम ने जो स्टैंड